Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of Part A problems asked in the CSIR examination 2018 December mein pucha gaya questions jo Part A mein pucha gaya, main uske solutions ko discuss karne wala hu is video mein. Agar aapne Part 1 video nahi dekha hai to aap pehle Part 1 video dekhiye, then aap Part 2 video dekhiyega, and you can join me on Unacademy and you can join us on the Facebook. The link is given in the description. So let's see the questions. To chautha question jo hai jiske bare mein discuss karne wale hai ki a birthday party every child gets 2 chocolate, theek hai. एक बर्थडे पार्टी में क्या था, चॉकलेट्स सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको 2 चॉकलेट दिए जाते हैं, जो मदर है उसको उनको 1 चॉकलेट दिया जाता है, जो फादर है उनको कोई भी चॉकलेट नहीं दिया जाता. दिया गया है कि इन अ टोटल 69 पर्संस आर देयर और 70 चॉकलेट्स बटे हैं. इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है, तो क्या कितने फादर हैं उस फैमिली उस पार्टी में, ठीक है. तो जो कंडीशन यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर प्लस फादर, दैट इज़ यहाँ पे मैंने डिनोट किया है कि मदर और फादर जो हैं वो क्या है, एम एफ एंड चाइल्ड को सी से डिनोट किया है, मतलब एम प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 इज सी, मदर फादर डिवाइडेड बाय 2 हाफ हो गए वो क्या है चाइल्ड का नंबर, 2 को इधर लाइए तो 2 सी इक्वल टू एम प्लस एफ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है. अब क्या है कि एक कंडीशन दिया है कि टोटल 69 पर्सन्स हैं वहाँ पे, 69 पर्सन से मतलब सी प्लस एम प्लस एफ, सी प्लस एम प्लस एफ मतलब चाइल्ड मदर फादर मिला के कितने हैं 69 है. आपको एम प्लस एफ की वैल्यू पता है, क्या है वो एम प्लस एफ की वैल्यू, 2c रख दीजिए, 2c प्लस सी 3c हो जाएगा, यहाँ से 3 डिवाइड करेंगे c की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि है 23, ठीक है, 23 आपको सी पता चल गया, जो चाइल्ड है 23 है, तो चॉकलेट कितना मिला होगा उनको, क्योंकि दो दो चॉकलेट एक बच्चे को दे रहे हैं तो 23 बच्चों को कितना चॉकलेट मिलेगा, 23 × 2 = 46. अब 46 चॉकलेट्स हैं जो कि बच्चों को दे दिए गए, टोटल कितने चॉकलेट्स थे 70 चॉकलेट, तो कितने चॉकलेट्स मदर को मिले होंगे, 70 में से घटा दीजिए 46 को, 70 − 46 = 24, 24 विल बी द चॉकलेट जो कि मदर को दिए गए हैं. अब मदर को 24 दिया गया तो एक चॉकलेट एक मदर को दिया जा रहा था, तो कितने नंबर ऑफ मदर होंगी वहाँ पे, 24, क्योंकि 24 चॉकलेट 24 मदर. तो जब नंबर ऑफ मदर आपको पता चल गया और नंबर ऑफ चाइल्ड पता चल गया तो आप नंबर ऑफ फादर निकाल लीजिए 69 में से माइनस करके, 69 − 23 − 24 यू विल गेट द नंबर ऑफ फादर, दैट इज 22. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22. क्लियर है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम ऑफ साइज 30 cm × 40 cm हैज अ फोटोग्राफ माउंटेड एट द सेंटर लिविंग एट 5 cm बॉर्डर ऑल अराउंड द एरिया ऑफ बॉर्डर इज, ठीक है. इन्होंने कहना क्या चाह रहा है कि एक आपका फोटो फ्रेम है और एक फोटोग्राफ है. फोटो फ्रेम का साइज दिया है 30 cm और 40 cm, ठीक है, और जो एक फोटोग्राफ लगाया जा रहा है उस पर जिस जो कि 5 cm जो है बॉर्डर छोड़ दे रहा है हर साइड से, मतलब 5 cm यहाँ से भी छूटेगा, यहाँ से भी छूटेगा, चारों तरफ से छूटेगा, तो लेंथ में जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 5 + 5 = 10 हो जाएगा, और विड्थ में 5 + 5 = 10, मतलब जो फोटोग्राफ का जो डायमेंशन आएगा वो कितना जाएगा, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 लेंथ हो जाएगी उसकी, और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 उसकी विड्थ हो जाएगी जो फोटोग्राफ का डायमेंशन होगा. तो आपको बॉर्डर का एरिया निकालना है तो आप एरिया पूरे फ्रेम का निकाल लीजिए, फिर फोटोग्राफ का निकाल लीजिए, माइनस कर देंगे बड़े वाले में से तो आपका एरिया आ जाएगा किसका, आपका बॉर्डर का. तो इसका एरिया कितना होगा, इस फोटो फ्रेम का 40 × 30 दैट इज़ 1200 cm², फोटोग्राफ का कितना एरिया होगा 30 × 20 600 cm², 1200 cm² −600 cm², मतलब 600 cm², आंसर कितना होगा इसका, 600 cm². क्लियर है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि अ टूरिस्ट ड्राइव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट
turns right and drives 6 kilometers, then drives 6 kilometers toward west. He then turns to his left and drives 4 kilometers and finally turns right and drives 14 kilometers. मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने ट्रैवलिंग की और शुरू स्टार्टिंग कहाँ से किया और फाइनल पोजिशन पे कहाँ है उसके बीच का आपको कैलकुलेशन या आपको डिस्टेंस बताना है. तो क्या क्या किया इसने, दिस इज़ द बेसिकली डायरेक्शन प्रॉब्लम. बहुत ईजी प्रॉब्लम्स होते हैं. आप क्या करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने कर लिया, 20 किलोमीटर आप ईस्ट की तरफ चले, यहाँ से उसने राइट की तरफ लिया, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, राइट की तरफ 6 किलोमीटर, ठीक है. फिर उसने क्या किया कि वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चला, वहाँ से फिर वो लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर चला, लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर चलने के बाद वो फाइनली राइट लेता है और 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है. तो अब क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है. तो आप देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल है 6 किलोमीटर 4, यहाँ पे वो पहुँच गया है. तो ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ पे है साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, ठीक है. साउथ डायरेक्शन में कितना है, 10 किलोमीटर, क्लियर है. तो इसका आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, ओके. सो दिस इज़ द 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया. आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे के क्वेश्चंस, तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिएगा. यू कैन ज्वाइन मी ऑन द फेसबुक विद द नेम स्मार्ट लर्निंग अकेडमी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी जहाँ पर मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.